देश के 28 राज्यों में शामिल अपना राज्य बिहार दिन दिन नई उपलब्धियों को पा रहा है। यहाँ की कई ऐसी खास बातें हैं जो इसे अपने आप में खास बनाती है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक में बिहार का नाम और उसकी पहचान का अपना ही जलवा रहा है। हर साल देश को IAS, IPS, IITN, डॉक्टर या विद्वान देने की बात हो या फिर स्वादिष्ट व्यंजनों की बात हो, इन सब में बिहार का दबदबा बना हुआ है। ऐसे में आप भी बिहारी हैं तो आप बिहार के बारे में और भी ज्यादा बातें आपको जानना जरूरी है, जैसे कि बिहार क्या, कैसा और कितना बेहतर है और यह अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में कितना अलग है। इसलिए हम आपके लिए बिहार बनाम अन्य की एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें बिहार की तुलना दूसरे राज्यों से करेंगे। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले आपको साफ बताना चाहेंगे कि भारत के सभी राज्य अपने आप में अनोखे और बेस्ट हैं और हमारा मकसद किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा बताना नहीं है। इसलिए वीडियो के जरिए हम केवल आपको बिहार और दूसरे राज्यों की तुलना करके दोनों के बारे में ही सिर्फ अनोखी जानकारियां देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अपना बिहार कैसा है। आज इस वीडियो की शुरुआत बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से कर रहे हैं, तो आइए डालते हैं एक नजर बिहार बनाम झारखंड पर। दो राज्यों की बात आती है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि कौन कितना बड़ा है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान 12वां है। दूसरी तरफ झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और इसका एरिया रैंक भारत में 15वां है। यानी क्षेत्रफल के मामले में बिहार से छोटा है झारखंड। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अब तक की आबादी 10,40,99,452 है, जो कि देश भर में तीसरा स्थान रखता है। वही झारखंड की आबादी 3,29,88,134 है, जो कि देश भर में 14वें नंबर पर है। अब बात करेंगे लिटरेसी रेट की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 63.82% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि झारखंड में 67.6% लोग पढ़े लिखे हैं। इस मामले में बिहार थोड़ा पीछे है झारखंड से। वही बात अगर लिंगानुपात की करें तो बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं, जबकि झारखंड में प्रत्येक 1000 पुरुष पर 948 महिलाएं हैं। अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। साल 2019-20 के मुताबिक बिहार में एक व्यक्ति की औसत कमाई 46,664 रुपए सालाना है, वहीं झारखंड में यह 79,873 रुपए सालाना है। अब हम आपको विधानमंडल के बारे में बताएंगे। बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। वहीं झारखंड में केवल विधानसभा ही है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। वहीं झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या केवल 14 है और राज्यसभा सीट केवल 6 है। अब बात आधिकारिक भाषा की करें तो बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। वहीं झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, हो, खड़िया, खोटा, कुड़माली, कुडुक, नागपुरी, मगही, मैथिली, मुंडारी, ओडिया, संथाली और उर्दू है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। दूसरी तरफ झारखंड में जनसंख्या का बड़ा भाग उद्योग पर निर्भर है, क्योंकि यह राज्य खनिज संपदा से भरा पूरा है। एयरपोर्ट की बात करें तो बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और 1 घरेलू एयरपोर्ट सेवा चालू है। वहीं झारखंड में 1 इंटरनेशनल और 2 घरेलू एयरपोर्ट अभी तक में चालू है। अब बात करते हैं बड़े शहरों के बारे में। बिहार का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी पटना ही है, जबकि झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। अब आपको बताते हैं कि दोनों राज्य कब अस्तित्व में आए। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई, लेकिन यह एक राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। वहीं झारखंड एक राज्य के रूप में 15 नवंबर साल 2000 को अस्तित्व में आया। यहां आपको यह भी बता दें कि झारखंड राज्य पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था और इसका निर्माण बिहार से ही कटकर हुआ है। तो यह थी बिहार बनाम झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि अगले वीडियो में आप किस राज्य से बिहार की तुलना देखना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।